अच्छा बना दिया गया है। मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेताओं को इशारे पर ये लाठीचार्ज किया गया है। अपने लिए एक मंदिर मांग रहे हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तुष्टिकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अल्पसंख्यकों के लिए एक कमरा का आवंटन कर दिया जाता है, चार लोगों के लिए आप और अल्पसंख्यकों की आवाज को, 74 लोगों की आवाज को आप नहीं सुनते हैं। हेमंत सोरेन ये सरासर नजरअंदाजी कर महिला कार्यकर्ताओं को भी महिला प्रदेश अध्यक्ष के साथ लाठीचार्ज की गई है। महिला कार्यकर्ताओं को भी बीजेपी महिला मोर्चा के साथ लाठीचार्ज की गई है और बुरी तरह से पीटा गया है लोगों के ऊपर। महिलाओं किसी को भी नहीं छोड़ा गया है, नेताओं को भी नहीं, महिलाओं को भी नहीं, और निहत्थे लोगों के ऊपर लाठी चलाना। हम लोग क्या मांग कर रहे थे कि विधानसभा अध्यक्ष से जा करके हम सब लोग ये कहेंगे कि भाई आपने जो अधिसूचना जारी की है, आपने जो नोटिफिकेशन किया उसको रद्द करिए। लोकतंत्र की मंदिर में और कोई मंदिर बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ लोकतंत्र का ही मंदिर रहना चाहिए। हमको अगर गोली का भी सामना इस काले कानून को जब तक वापस नहीं करेंगे तब तक ये सरकार भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता संकल्पित है, जनता के भावनाओं के साथ हम संघर्ष करेंगे। दीपक जी आपके साथ लाठीचार्ज की, आपके हाथ में दर्द है, क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार बर्बरता से शासन चलाना चाहती है, इनके पास लाठी के अलावा और कुछ भी, लाठी के अलावा कोई इनके पास कोई है ही नहीं। 2014 के बाद बीजेपी पहली बार रोड पे निकली है। भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही संघर्ष से हुआ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब जब संघर्ष करते हैं तो 24 कैरेट सोना की तरह निकल कर सामने। दीपक जी क्या आपको नहीं लगता कि लाठी के बल पे आपको बैठक पे लोग लाना चाहते हैं? अरे लाठी क्या, बंदूक के साये पर भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरा। आपातकाल इंदिरा गांधी के तानाशाही के खिलाफ हम लोगों ने लड़ा, लालू यादव के खिलाफ हम लोगों ने संघर्ष किया, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ प्रेस को बंदिश लगाने का जब काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया।